अभी एक रिसेंटली एक डिटेलर हारून ने अपने फ्रेंड जिशान का हमें नंबर दिया है। जिशान के बारे में उन्होंने बताया कि ये अपार्टमेंट में कोई इलाके में कोई लड़की है जिसको ये बहुत देखते हैं। सही है। और होते आपने कभी देखा है इस तरह? नहीं सवाल है यार, मतलब कभी होता है ना कि यार ये चेहरा मुझे अच्छा लग रहा है, ये जो है ना ये चेहरा मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। एक होता है बंदे की नजर पड़ जाती है, बंदा फिर कहता है यार दोबारा देखूंगा। ये तो नेचर है ना। हाँ ये तो नेचर है ना। तो आप कोई ऐसा चेहरा है वैसे जहन में जिसको आप, मेरा दिल चाहता है मैं इसको बार बार देखूं? है। ब्रेकिंग न्यूज, सादिक जानम फिदाए हैदरी जिनका ट्रैक है, ये ब्रेकिंग न्यूज हम दे रहे हैं। इनके दिमाग में एक चेहरा है जिसको ये बार बार देखना चाहते हैं। ऐसा ही है। चले अभी एक शख्स है, इसका कटाकट बनाते हैं। कभी जिंदगी में अगर आपको हमारी कॉल आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि जैन नहीं कॉल किया कटाकट के लिए। अभी जिशान का कटाकट बनाना है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जिशान बोल रहे हो? जी। जिशान आप कौन? जिशान मैं सहरिश की मामी बात कर रही हूँ। जी। तुम सहरिश को देखते हो अपार्टमेंट में? जी जी। क्या वजह क्या है, क्यों देखते हो तुम सहरिश को? अब भैया अपार्टमेंट में आती जाती हैं, मैं देखता हूँ उनको, वो क्योंकि वो भी देखती है मेरी तरफ। देखो ये बात अब बाद में होगी कि वो क्यों देखती है, ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुम क्यों देखते हो उसको। बस मुझे अच्छी लगती है इसलिए। तुम्हें अच्छी लगती है? कितनी अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। नहीं मतलब तुम शादी वादी का सोच रहे हो या सिर्फ टाइम पास? नहीं नहीं शादी के लिए, शादी पसंद है मुझे। पक्की बात है? जी जी। ओके देखो अब मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं सहरिश से कल रात को बैठी हुई बात कर रही थी, हम लोग गैलरी में थे, ठीक है। हमने तुम्हें गुजरते हुए भी देखा तो सहरिश ने मुझे अपने दिल की बात बता दी। अच्छा क्या बताई? मैंने सहरिश को बोला, मैंने कहा ये जो लड़का है जिशान, ये जो तुम्हें देखता रहता है, तो तुम इसके बारे में क्या सोचती हो, तुम्हारे दिल में क्या है भाई, तुम तो बता दो। क्या बता? उसने मुझे बोला ये तो मुझे देखता रहता है, लेकिन मैंने उससे पूछा वो तो देखेगा, वो तो लड़का है, ठीक है, वो तो फारिग है, तुम बताओ तुम्हारे मतलब भाई मैं पसंद करता हूं उनको। ओके पसंद करते हो, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला आप मुझे ये बताया ना। ओके मैं बता, जब आपने उससे पूछा। हाँ हाँ मैं बता रही हूँ, जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे दिल में क्या है सहरिश, तो उसने मुझे बता दिया। क्या बताया मैं ये तो पूछना चाह रहा हूँ, उसने क्या बताया? उसने मुझे बोला कि ये जो बहुत है, नहीं आपकी आवाज कट गई, एक मिनट आवाज कट गई, दोबारा बताएं। ये बताया उसने मुझे। नहीं मुझे मैं सुन नहीं सका, दोबारा बताएं। उसने मुझे बोला, मैंने बोला अरे पगली मुझे बता कि चक्कर क्या है आखिर, तू इतना सोचों में गुम रहती है। तो उसने मुझे बोला कि ये जो जिशान है ना, ये मुझे जब तक तो मैं लड़का नहीं। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, आप गैलरी में आ जाए, किसी खुली जगह पे आ जाए, मैं भी बाहर आ रहा। अब आवाज आ रही है? अब आ रही है? हेलो जी बेहतर हो गई है, लेकिन आप मुझे समझ में आ गई सारी बात। मुझे सिर्फ ये बताया सहरिश ने क्या बताया, आपकी वो जो बात थी वो तो मुझे समझ में आ गई। ओके मैं बताती हूँ। सहरिश और मैं चाय पी रहे थे और हम लोगों ने बातें शुरू की, तो उसने मुझे बोला कि यहाँ अपार्टमेंट में लड़का है जिशान, वो देखता है। तो मैंने कहा तुझे कैसा लगता है ये बता, तेरे सब मुझे पता है, आपने बता दिया मुझे, ये बता दिया, लेकिन सहरिश ने क्या बताया वो समझ में नहीं आ रहा, वो मुझे बताया ना। सहरिश ने मुझे बोला मेरा बाइक पे। अरे आपकी आवाज कट रही है, सिग्नल की। अब आवाज हेलो, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। हेलो अब आवाज आ रही है? हेलो हाँ आपकी सारी बात समझ में आ रही है जी, सिर्फ सहरिश का मुझे बताया। सहरिश ने क्या बताया? सहरिश ने मुझे बोला जब जाने बाइक, ये बोला उसने तेरे लिए। आप मुझे टेक्स्ट में नहीं, आप नहीं मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं, आप मुझे टेक्स्ट में लिख के बता दीजिए। मैं आपको मैसेज कर रही हूँ। ओके मैं आपको मैसेज कर रही हूँ। जी जल्दी करें। मैं कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ। चलो भाई कहाँ है मोबाइल, इसका मैसेज करते हैं। सहरिश का सुनने के लिए बेताब है वो। कि मुझे ये तो बताओ, काम की बात नहीं बताएंगे, बताओ तो सही क्या बोल रही थी, काम की बात नहीं बतानी है इसको। सेंड हो गया। हेलो जी। हेलो हाँ जी, चाची मामी जो भी हैं, आपने जो टेक्स्ट भेजा है उसमें ये तो लिख दिया आपने क्या आप वो बैठी हुई थी, चाय पी रही थी, आपकी मेरे बारे में बात हुई, और फिर जो बात हुई उसके आगे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पता नहीं, कोई @ करके डॉट 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 डैश 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 इस तरीके से आ रहा था। तो यही तो लिखा हुआ है मैंने, आपको मैसेज भी नहीं आ रहा समझ में? नहीं तो मैसेज ये समझ में नहीं आया उसने क्या बोला, मैं बता ये तो समझ में आ गया, आप बैठी हुई है चाय पी रही है, ये सही समझ लिखा हुआ है। ओके मैं बताती हूँ, उसने बोला, मैं बताती हूँ देखो जिशान, उसने बोला, मैंने पूछा सैरिश तेरे दिल में क्या है जिशान के लिए, मुझे प्लीज बता दे। ये मैंने सुन लिया, ये मैंने सुन लिया, ये मुझे समझ में आ गया कि आपने पूछा। तो उसने मुझे बोला, लेकिन उसने क्या बोला? उसने बोला मेरे तुम्हारे बाइक पे। अरे उसके बोलने पे क्यों बात कट रही है, सिग्नल कट रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपसे मिलके आप बात हो सकती है, ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा फोन पे क्या बोल रही है, जो आप बोल रही हो तो आवाज ही कटे जा रही है। ओके ओके मैं दोबारा बता रही हूँ जिशान सुनो, सहरिश ने बोला हारून ने तुम्हारा कटाकट बनवा दिया कटाकट शो से। मतलब मैं जैन बात कर रहा हूँ, कटाकट शो से तुम्हारा कटाकट बनवाया तुम्हारे दोस्त हारून ने, मैं सहरिश की मामी नहीं बोल रहा। ये किसने बनवाया है क्या बोलना हम समझे नहीं। हारून ने, हारून तुम्हारा दोस्त है अपार्टमेंट का? जी 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 हाँ, उसने मुझे बताया था तुम सैरिश को देखते रहते हो अपार्टमेंट में, उसने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि यार आप इसका कटाकट बनाओ, सैरिश को देखता है अपार्टमेंट में, कोई लड़की है सैरिश जो रहती है इसको आप ताड़ते रहते हो, उसने कहा आपका कटाकट बना दो टीवी पे। तो आप इस वक्त टीवी पे हो भाई, मत देखा करो यार इस तरह। हेलो कॉल कट गई, पहला कटाकट कट गया। यार मजा आया मुझे इस कटाकट पे, गेम अच्छा था। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।